नाइन्थ क्लास में हमारा चौथा चैप्टर चल रहा था मैथ्स में, द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे थे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब इसका आगे सेकंड क्वेश्चन है, बिंदु 2.14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? अब बिंदु 2.14 यानी इसमें x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 14। इससे होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे हम ये ग्राफ बनाते हैं, ये 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब 2 और 14, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, तो इन दोनों के सामने ये पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे इस एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं? बहुत सारी रेखाएं जा सकती हैं, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी अनगिनत संख्याएं हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऐसी अनेक प्रकार की रेखाएं हम खींच सकते हैं, देख सकते हैं हम यहाँ एक बिंदु है तो इससे हम अनेक रेखाएं बना सकते हैं। तो हमें ऐसी किन्हीं भी दो रेखाओं के इक्वेशन बनाने हैं। जैसे मान लो इसमें से हम एक ये ले लें या ये ले लें, ये ले या ये ले, हम कोई भी लें, तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ऐसे कोई इक्वेशन बनाएं जिसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 हो जाए। तो ऐसी फर्स्ट इक्वेशन हम बना सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 30। कैसे करके देखेंगे, जैसे हमने x प्लस 2y कर लिया, x की वैल्यू क्या है 2, 2y, 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 14, 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना हो गया 30। ये एक इक्वेशन बना दी हमने। अब सेकंड कोई भी इक्वेशन हम बना सकते हैं ऐसे। अब कोई भी इक्वेशन जब हम बनाएं, 2x प्लस वाई क्या आना चाहिए? हमने अपनी मर्जी से लिखा है, ये x प्लस वाई भी लिख सकते हैं हम, केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम कुछ भी बना सकते हैं ऐसे। तो अगर x प्लस वाई हम लिखते हैं तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, ये क्या आ जाएगा 16, 2 प्लस 14 16। ऐसे ही यदि हम 2x प्लस वाई लिखते हैं तो फिर क्या आएगा, 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 2 प्लस y की वैल्यू है 14, 2 दूनी 4 प्लस 14, 14 4 कितना आ जाएगा इधर 18। तो हम ऐसे कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं और उसमें जो वैल्यूज़ को पुट करेंगे x और y की, तो जो भी आंसर आता है उसको इक्वल के इधर लिख देते हैं। तो ये हमारा देखो दो चर में एक इक्वेशन बन गया, और इनके द्वारा हम कोई भी ग्राफ की लाइन ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक तो इसमें ये इक्वेशन आ जाएगी, एक ये इक्वेशन आ जाएगी, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो ऐसी या इस प्रकार की अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि x और y की हम कोई भी वैल्यूज़ निकाल करके, अलग अलग वैल्यूज़ रख करके और अलग अलग मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3.4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु 3.4 ये दिया हुआ है, 3y इक्वल टू ax प्लस 7 इसके आलेख पर स्थित है, यानी जब हम इसको सॉल्व करके इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये बिंदु उस ग्राफ की लाइन के ऊपर आ जाता है। जैसे हमने ये बनाया, एक ऐसे लाइन आ गई, तो ये जो बिंदु है 3.4, तो यहाँ पर ये बिंदु हो गया 3.4, ये बिंदु इस लाइन के ऊपर स्थित है। इसका मतलब ये है, हमें ये बोला गया है कि ये बिंदु जब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ हमने ऐसे बना दिया, जो भी हम सॉल्यूशन करके बनाएंगे तो वहाँ पर ये जो 3.4 है ये इस लाइन के ऊपर आता है, ये दिया गया है। तो इसके द्वारा हमें इस a की वैल्यू निकालनी है।
ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ए इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 7, 3 चौक 12, 3 गुणा ए, 3 ए प्लस 7, 7 को यहाँ ले आएंगे हम, यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 7 5। अब ये गुणा का 3 है, यहाँ आकर क्या बन जाएगा भाग का, तो इसे ए की वैल्यू क्या निकल जाती है 5/3। तो इक्वेशन हमें दी गई है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके हमने यहाँ ए की वैल्यू निकाल दी, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपये है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। अंजलि कॉपी में उतार लो साथ। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक तो हमें इसमें इक्वेशन बनाना है और इसका फिर हमें ग्राफ बनाना है जो भी हमें स्टेटमेंट में बोला गया है। तो इसमें हमें दिया गया है तय की गई दूरी, माना तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर, यह हमें दिया गया है, और कुल किराया भी हमें दिया गया है कि इसको ये मान लो कि ये y रुपीज़ है, ऐसे ये दिया गया है। फिर इसमें हमें ये दिया हुआ है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये ये दिया गया, उसके बाद कितनी दूरी बच गई, देखो कुल दूरी कितनी है x किलोमीटर है और कुल किराया कितना है y। अब कुल दूरी x में से पहला किलोमीटर का किराया कितना हो गया 8 रुपये, तो कितनी दूरी बच गई ये देखेंगे हम, कितना डिस्टेंस हमारा बच गया, टोटल डिस्टेंस टोटल दूरी हमें कितनी दी गई है x, उसमें से 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, तो बाकी की जो किलोमीटर बच गए वो कितने बचे, टोटल डिस्टेंस में से ये पहला किलोमीटर माइनस कर लेते हैं। जैसे मान लो कुल दूरी है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये हो गया, तो बाकी कितनी दूरी बच गई 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो ऐसे ही हमने क्या किया, x माइनस 1 पहला किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर, 1 को माइनस किया तो क्या हो गया ये शेष दूरी बच गई हमारी। हमें ये दिया गया है कि जो स्टेटमेंट में दिया गया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, यानी पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये है, उसके बाद जितनी भी दूरी बचेगी उसमें प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये। अब ये कितना बच गया उसके बाद, टोटल कितनी थी x, x में से 1 माइनस किया हमने ये वाली, तो ये शेष दूरी बच गई। अब इसके बाद पहले किलोमीटर का किराया तो 8 रुपये हो गया, उसके बाद कितना किराया लग रहा है हर किलोमीटर का 5 रुपये लग रहा है, यानी 1 किलोमीटर का कितना 5 रुपये, तो कितनी दूरी बची हुई है, कितनी दूरी अभी बची हुई है, पहले किलोमीटर का ये दूरी है 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर का, हमने निकाल लिया 8, दिया हुआ है हमें 8 रुपये, तो उसके बाद कितनी दूरी बची x माइनस 1 ये बची। अब 1 किलोमीटर का इतना है तो जो शेष बची उसका कितना होगा, शेष कितनी बची हुई है x माइनस 1 कितना होगा, इसको इससे गुणा किया जाएगा, जैसे हम लिखते हैं 1 का 5 है तो 8 किलोमीटर का क्या होगा 5 × 8 = 40, तो 1 का 5 है तो ये बची हुई इसका कितना होगा 5 × x − 1, समझ आया, तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया 5 × x − 1 ये हम ऐसे निकालते हैं, क्लियर है। अब इसे गुणा कर लेंगे 5 × x 5x 5 × 5। अब जैसे हमें बुक में बोला गया है हम वैसे ही कर लेते हैं कि इसमें जो कुल किराया है वो y रुपये है। अब कुल किराया का मतलब ये पहले किलोमीटर का किराया और इसके बाद की जितनी दूरी बची उसका किराया ये है, पहले किलोमीटर का ये, जितना डिस्टेंस बचा उसका ये,
इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो कुल कितना, कुल हमें कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, 8 + 5x - 5 = y, यानी ये 1 किलोमीटर का और ये बाकी के डिस्टेंस का, बाकी की दूरी का, इस किराए को और इस किराए को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो आ जाता है कुल किराया, और कुल किराया हमें बुक में क्या दिया गया है, y, तो इक्वल टू हम क्या लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8 में से 5 घटेगा 3, 8 के आगे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अब y को यहाँ ले आएंगे, इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax + by + c = 0, तो हमें इक्वेशन बना करके दिखाना है। सबसे पहले x वाली संख्या होती है, फिर y वाली संख्या, इसको यहाँ ले आओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा, और ये प्लस 3 है। तो जैसे हमें स्टेटमेंट में बोला गया कि इसके लिए एक रैखिक समीकरण लिखो, तो ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें इसका आलेख बनाना है। अब आलेख यदि बनाना है तो इसको हम इसी फॉर्म में दोबारा से लिख देंगे, ये y को तो यहाँ ले आते हैं और इन दोनों को यहाँ लिख देते हैं, 5x + 3, इसको हमने सीधा कर लिया, y को यहाँ, या फिर इसी में देख लो, y को यहाँ ले आए, माइनस है, यहाँ का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये दोनों यहीं रह गए, तो ये इधर आकर ये प्लस हो गया, इसको हमने सीधा कर लिया, y 5x + 3, यानी इसको लिख दिया हमने। अब आलेख बनाने के लिए हमारे पास इक्वल में क्या है, x, तो हम x की वैल्यू इसको मान लेंगे, जैसे हमने पिछले उसमें किया था, x की वैल्यू को अब हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू, हम 0 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू 5 × 0 + 3, 0 से किसी को गुणा करेंगे तो क्या आता है, 3, और 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3। अब आगे हम कुछ भी ले लेते हैं, माना x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1, तो y इक्वल टू 5 × 1 + 3, तो देखो 5 × 1 = 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8। अब यदि हम यहाँ 2 ले लें, 5 × 2 = 10, 10 और 3 = 13, 13 बड़ी संख्या हो जाएगी जब ग्राफ बनाएंगे, हाँ, तो हमारा 13 काफ़ी ऊपर और काफ़ी लास्ट में जाएगा, तो हम वापस चलते हैं क्योंकि अगली संख्या हमारी बड़ी आ जाएगी यदि हम लेते हैं, तो वापस चलने का मतलब है कि हमने -1 ले लिया, पहले +1 लिया था, माइनस ले लिया, तो 5 × -1 + 3, 5 × 5 + -5 × 5 + 3 कितना आ जाएगा, -2। ये टेबल होती है जो हम ग्राफ के क्वेश्चन में जब ये सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं जितने हमें चाहिए, सॉल्यूशन के बाद लास्ट में हम इसको ऐसे टेबल में दिखाते हैं इन सॉल्यूशंस को, एक्स वाई। अब एक्स की वैल्यू पहले हमने ली थी 0, तो वाई की वैल्यू आ जाती है 3। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू है 8, और यदि एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, -2। तो अब हमें इसका आलेख बनाना है। अब आलेख बनाने के लिए हमें इसको साफ करना पड़ेगा, 1 पे 8, तो ऐसे ही बना लेते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक एक का गैप ले लेते हैं क्योंकि सभी संख्याएं 2 से भाग नहीं हो रही, तो हम 2 का गैप नहीं ले रहे इसमें, एक एक का ले लेते हैं, और 2 का चाहे तो वो ले सकते हैं हम, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4। सबसे पहले x 0 है, जब x 0 होता है तो ये कौन से अक्ष पे आना चाहिए, y अक्ष के कुछ किस बिंदु पे, 3 पे, 0, 3, 1 पे 8, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, अब x का 1 ये हो गया और y का 8 ये हो गया, तो दोनों के सामने ऐसे लिख देंगे हम इसे,
इसके बाद माइनस एक में माइनस दो, एक्स की वैल्यू माइनस एक इस एक्स अक्ष के ऊपर माइनस एक ये है और वाई का माइनस दो ये है, तो इन दोनों के सामने माइनस एक पे माइनस दो। तीनों पॉइंट्स को हम फुटेल पेंसिल्स की सहायता से ऐसे मिला देंगे। और नीचे लिखेंगे बिंदुओं 0 पर 3, 1 पे 8 तथा माइनस 1 पे माइनस 2 को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर हमें समीकरण का आलेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये हो गया नीचे वाला। ग्राफ को अपने आप बना लेना, टेबल तक वर्क कर लो, जल्दी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करेंगे इसको। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती ये चैप्टर 8 में, 8वीं क्लास में किया हुआ है या 7वीं क्लास में, कि जब एक किसी पद का मान बढ़ता है तो दूसरे पद का मान भी बढ़ता है, और यदि एक पद का मान घटता है तो दूसरे पद का मान भी घटता है। ये अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल मात्रक 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है या 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पिंड द्वारा किए गए कार्य और पिंड द्वारा तय की गई दूरी को मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ जाता है। माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर। माना पिंड द्वारा, खाली x लिख देते हैं, किया गया कार्य y ले लेते हैं। इक्वेशन जब हम बनाते हैं, पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो इक्वेशन जब बनाएंगे y इक्वल टू x, जैसे ही दूरी बढ़ेगी वैसे ही कार्य बढ़ेगा, दूरी कम होगी तो कार्य भी कम होगा। इसमें बोला गया है कि अचर बल मात्रक 5 लेना है हमें, फिर इसका आलेख बनाना है। तो अचर बल मात्रक 5 लेंगे तो 5 हम दूरी के साथ लगा देंगे कि जितना कार्य करेंगे उतनी ही दूरी तय हो जाएगी, y इक्वल टू 5x आ जाएगा हमारा इक्वेशन। तो क्योंकि हमें 5 मात्रक बल लगाना है इसलिए यहाँ x के साथ 5 आ जाएगा, जितना भी बल लगाना होगा वो इस दूरी के साथ आ जाएगा। अब इसके द्वारा ये इक्वेशन तो बन गई हमारे पास, इससे हमें ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू इधर x आ गया तो हम x को मान लेंगे, माना x इक्वल टू 0, तो 5 इंटू x की वैल्यू क्या आ गई 0, 5 एकम 5।
अब हम x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, हमने एक ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू एक, 5 एकम 5। अब यदि हम 2 लेते हैं तो 5 दूनी 10, 5 थी 15, एक साइड बढ़ता चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वापिस आएंगे। वापिस आने का मतलब क्या है कि अब वैल्यूज हम माइनस में ले लेते हैं। माना x इक्वल टू माइनस एक, तो y की वैल्यू 5 इंटू माइनस एक कितना हो जाएगा, ये माइनस 5, ठीक है। टेबल बना देते हैं। सबसे पहले हमने x लिया 0, सॉरी ये देखो भाई यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया ना, ये 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, 0 आता है, हमने 5 लिख दिया यहाँ तो ये 0 आ गया। अब ये x की वैल्यू यहाँ 1 है तो y की वैल्यू हमने निकाल दी 5, और यदि x की वैल्यू माइनस 1 है तो y की वैल्यू हमने निकाल दी है माइनस 5। अब हम इसका आलेख बना देते हैं। आलेख को तो अपने आप से बना ही लोगे, इसको कर लो। अभी मैं ग्राफ बनवा देती हूँ इसका। x x डैश y y डैश, इसमें 1 5 माइनस 1 माइनस 5 है, तो हम एक एक का गैप ले सकते हैं, लेकिन हमें आगे कुछ और क्वेश्चंस का जवाब देना है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। यानी इनको हमें निकाल करके नहीं दिखाना, हमें इनको ग्राफ की सहायता से बताना है कि यदि दूरी 2 मात्रक है 0 मात्रक है तो फिर उस पिंड के द्वारा किया हुआ कार्य कितना हुआ, निकालना नहीं है, हमें ग्राफ से दिखाना है। तो हम यहाँ 2-2 का गैप ले लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा ग्राफ चाहिएगा इसके लिए, क्योंकि 2 मात्रक है, जब 2 मात्रक लगाते हैं तो 5 दूनी कितना होना चाहिए, 10। अब 10 जो वैल्यू है वाई की वो यहाँ सिक पे आएगी ज़्यादा ऊपर, अगर हम एक एक का गैप लेते हैं तो काफ़ी आगे जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 2-2 का ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, -2, -4, -6, -8, -2, -4, -6। देखो सबसे पहले x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है, 0, 0 कहाँ जाएंगे, मूल बिंदु के ऊपर, 0, 0, ठीक है। 1 पे 5, अब 1 कहाँ होना चाहिए, जब हम ऐसे 2 का गैप ले लें तो हमें चाहिए 1, तो 1 कहाँ आएगा, 0 और 2 के बीच में, यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ग्राफ की कॉपी में जो 5वां कॉलम होगा, यहाँ से जो 5वां कॉलम होगा 1, 2, 3, 4, 5, वो तुम्हें 1 को दिखाएगा, क्योंकि 1 इसका आधा होगा 2 का। अब 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बिल्कुल बीच में, यहाँ से जब कॉलम काउंट करोगे तो जो 5वां कॉलम होगा वो 5 को शो करेगा। अब यहाँ से और यहाँ से ये लाइन ऐसे आएगी ग्राफ की, ये ऐसे आएगी, यहाँ पर हम बिंदु लगा देंगे 1 पर 5, ठीक है। फिर है -1 पे -5, ये हमारा कहाँ आएगा, माइनस की संख्याएं इस तीसरे में आती हैं। अब x की वैल्यू -1 कहाँ हो जाएगी, इधर 0 और 2 के बीच में, और -5 y अक्ष के ऊपर 4 और 6 के बीच में, तो इनके ऊपर यहाँ आ जाएगी -1 पे -5। तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं इस तरह से, और इसे हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे स्केल की सहायता से, -1 पे 5, ये यहाँ था भाई, थोड़ा ज़्यादा उस साइड लगा दिया, तो स्केल से लगाओगे ना बिल्कुल सीधी आएगी। 1 पे 5 कहाँ था, 0, 2 के बीच में, 4, 6 के बीच में, तो इसके सामने, 1 के सामने देखो, यहाँ आना चाहिए ना पॉइंट, हमने थोड़ा यहाँ लगा दिया साइड में, यहाँ आ जाएगा।
तीनों बिंदुओं को मिला के ग्राफ को ना ऐसे ऊपर की साइड तक हम बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाया हमने? अब देखो इसमें ये बता रखा है कि यदि दूरी दो मात्रक है और जीरो मात्रक है तो अलग से क्या हुआ, कार्य निकालना है। अब यहाँ पे ग्राफ से पता लगाना है हमें ये। अब दूरी, दूरी के लिए हमने क्या माना था x, तो यानी x की वैल्यू कितनी लेनी है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है बुक में कि दो मात्रक लेनी है फर्स्ट पार्ट में, तो x के ऊपर दो ये आ गया। जब ये दो है तो ये इस ग्राफ की लाइन पे इसको ऐसे इस दो के सामने यहाँ आ गया ये। तो जब ये लाइन इस ग्राफ की लाइन को यहाँ काट रही है तो ये y अक्ष के किस बिंदु के सामने है, 10 के सामने ही है। दो पर कितना आ जाता है 10। तो जब हमारी दूरी दो मात्रक है तो फिर किया गया कार्य, कार्य को हमने किससे लिखा था y, तो y की वैल्यू क्या निकलती है 10। अब ऐसे ही अब क्या पूछा हुआ है इसमें, जीरो पूछा हुआ है। जब हमारी दूरी जीरो मात्रक है तो जीरो पे कितना है ये, जब x की वैल्यू जीरो है, जीरो मात्रक लिखा हुआ है ना इसके अंदर बुक में, जब x की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू जीरो ये होगी तो y की वैल्यू क्या है जीरो, ठीक है, तो y की वैल्यू भी जीरो आ रही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये लिखना है कि बिंदुओं जीरो पे जीरो, एक पे पाँच, माइनस एक पे माइनस पाँच। मैं लिख देती हूँ यहाँ बिंदुओं जीरो पे जीरो, एक पे पाँच तथा माइनस एक पे माइनस पाँच को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर समीकरण y इक्वल टू 5x का आलेख या ग्राफ प्राप्त होता है। अब फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है आलेख से ज्ञात होता है कि यदि दूरी दो मात्रक है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य 10 मात्रक है। सेकंड पार्ट में आलेख से ही पता लगता है यदि दूरी जीरो मात्रक है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य 0 है। तो ये इस तरह के से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले ये सॉल्यूशन करोगे, उसके बाद ये ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के नीचे इस एक्सप्लेनेशन को लिखोगे और इसके नीचे फिर नंबर एक डाल के नंबर दो डाल करके ये लिखोगे। दूसरी बात ये है कि जैसे फेयर कॉपी में हम काम कर रहे हैं, तुम लोग काम करोगे फेयर कॉपी में, तो फेयर कॉपी में ही करना है इसको, ग्राफ की कॉपी में नहीं करना। तुम क्या करोगे, ये फेयर कॉपी में करोगे, फिर ग्राफ की कॉपी में ग्राफ बनाओगे इसको, और वो करने के बाद उस पेज को फाड़ करके इसके सामने दूसरे वाले पेज पे, या उसी के ऊपर अगर जगह बची हुई है तो उस पे ही इस पेज को, इस ग्राफ वाले पेज को चिपका दोगे। फिर जहाँ इसको चिपकाओगे उसके नीचे ये लिखोगे और उसके नीचे फिर ये लिखोगे। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, फेयर कॉपी में ही काम करना है। फेयर कॉपी में पहले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, टेबल बनाओगे, फिर ग्राफ की कॉपी में ग्राफ बनाओगे, पहले बनाओगे फिर उसको वहाँ से फाड़ोगे और फेयर कॉपी में इस क्वेश्चन के सामने या इसके नीचे चिपका दोगे। तो ऐसे नहीं करना कि पहले पेज को फाड़ोगे ग्राफ की कॉपी को, फिर चिपकाओगे, फिर उसके ऊपर ग्राफ बनाओगे, क्योंकि जब फाड़ के चिपकाओगे तो उसके ऊपर गोंद लगाना पड़ेगा और वो गीला हो जाएगा ग्राफ का पेज, फिर उसके ऊपर ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले कॉपी में ग्राफ बनाओगे पेज के ऊपर, फिर उसको चिपकाओगे बाद में। कर लो इसको फटाफट से। कितना रह गया,
समझ आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इस आंकड़ों को संतुष्ट करती है। यानी क्लास 9th में 2 लड़कियां हैं, एक यामिनी दूसरी फातिमा, दोनों मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये देते हैं। दो लड़कियां भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 100 रुपये मिलकर के देती हैं। तो इसके लिए हमें एक आलेख बनाना है और एक इक्वेशन बनाना है। हमें इसमें हिंट भी दिया गया है ब्रैकेट में, आप उनका अंशदान X रुपये और Y रुपये मान सकते हैं। कक्षा 9th में जो पहली लड़की है उसका नाम है यामिनी। अब यामिनी ने कितना अंशदान किया? माना यामिनी का अंशदान, हमें बुक में हिंट दे रखा है, X रुपये। दूसरी लड़की है फातिमा, फातिमा का अंशदान हमें दिया गया है Y रुपये। नहीं भी दिया गया है तो हम अपने आप इसको मानेंगे X और Y, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तुम्हें ये हिंट नहीं दिया जाएगा कि यामिनी का ये मानना है, फातिमा का ये मानना है। तो पहली लड़की यामिनी है, उसका हमने X मान लिया, दूसरी है फातिमा। अब इसके लिए पहले हम इक्वेशन बनानी है क्या, कि दोनों मिलकर के 100 रुपये अंशदान देती हैं। यामिनी ने कितने दिए? X। फातिमा ने कितने दिए? Y। दोनों के मिला करके, मिलाने के लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस, क्योंकि दोनों के जुड़ करके वो कितने रुपये दे रही हैं? तो एक 50 दे सकती है, दूसरी भी 50 दे सकती है, एक 60 दे सकती है, दूसरी 40 दे सकती है। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 100। ये बन गया हमारा एक 2-चरमेय रैखिक समीकरण। अब इससे हमें आलेख बनाना है, आलेख मीन्स ग्राफ बनाना है। तो दोनों में से हम एक चीज़ को यहीं रख लेंगे, एक वेरिएबल को हमने एक्स को रख लिया। अब प्लस वाई इधर आ करके माइनस, अब वैल्यूज हम मान लेते हैं। वाई है यहाँ, वाई की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, 100 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 100। अब y की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, हम 50 ले लेते हैं, तो 100 माइनस 50 क्या आ जाएगा? 50। अब हम y की वैल्यू 100 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 100 माइनस 100 कितनी आ जाती हैं? 0। अब इसके लिए हम टेबल बना देते हैं। x की, y की वैल्यू 0 है तो x की 100 है, y की वैल्यू है 50 तो x की भी 50, y की वैल्यू 100 तो x की वैल्यू 0। इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना कि y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ये मत लेना, क्योंकि ये 100 है ना यहाँ पे, बड़ी संख्या, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 10 में लेना है, इसे राउंड फिगर में लेना है, क्योंकि ये बड़ी संख्या, अगर यहाँ 5 होता तो हम 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेने को तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भी ले सकते हैं हम, लेकिन उसमें फिर ग्राफ की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। जैसे मान लो हम यहाँ पे, यहाँ हम 5 ले लेते हैं, तो 100 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 95, और ग्राफ के ऊपर फिर हम 95 को शो करेंगे। तो हमने 0, 50, 40, 70, 60 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये टेबल बन गई, अब इससे हम आलेख बना देंगे। X, X डैश, Y, Y डैश। अब ग्राफ के ऊपर भी हम 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लेंगे, या 2, 4, 6 नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यूज बड़ी हैं। तो या तो 10-10 का गैप ले लो, या 20-20 का ले लो, या 50-50 का ले लो, या 100-100 का ले लो। तो मैं यहाँ 50 का ले रही हूँ, तुम 10-20 का भी ले सकते हो, 50, 100, 150, 50, 100, 150 -50, -100, -150, -100,
माइनस डेढ़ सौ। सबसे पहले वाई जीरो है तो किस पे आना चाहिए, एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के किस बिंदु पे, सौ पर। तो एक्स अक्ष का सौ है यहाँ, एक्स की वैल्यू सौ, वाई की वैल्यू जीरो। फिर पचास पे पचास, अब एक्स की वैल्यू पचास और वाई की वैल्यू भी पचास, यहाँ आ जाएगा पचास पर पचास। फिर यहाँ एक्स जीरो है तो किसके ऊपर आना चाहिए, वाई अक्ष पे, और वाई अक्ष किस बिंदु पर आएगा, सौ पे, जीरो पर सौ। हम तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, और दोनों साइड पे तीर के निशान लगा देते हैं। नीचे हम लिखेंगे बिंदुओं सौ पे जीरो, पचास पे पचास, जीरो पे सौ को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू सौ का आलेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, एफ इक्वल टू नौ बटे पाँच सी प्लस 32। फर्स्ट पार्ट, सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो फ़ारेनहाइट को तो y लेना है फर्स्ट पार्ट, और सेल्सियस को x लेना है, समझ आ गया। f की जगह y और c की जगह x लेकर हमें इसका एक ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, हम ग्राफ बना देते हैं। x यहाँ पर वैल्यू है x, तो हम x को ले लेते हैं, माना x इक्वल टू हम ले लेते हैं, यहाँ हम कोई ऐसा अंक लेंगे कि उसको 5 से वो पूरा कट जाए और 9 से गुणा हो जाए, फिर उसमें हम 32 को प्लस करें तो एक पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है, बटे में ना आए, सही बटे में ना आए, पॉइंट्स में ना आए, एक पूर्ण संख्या यानी कि 10 20 30 जीरो वाली संख्या आ जाए तो और भी अच्छा है। तो हम ऐसे सोच करके देखते हैं, तो यहाँ हम ले लेते हैं 40, 9 बटे 5, x की वैल्यू 40 प्लस 32, 5 अठे 40, देखो 9 अठे 72 प्लस 32, 5 अठे 40, नहीं 40 नहीं लेंगे भाई, हम यहाँ कुछ और ही लेते हैं, 5, पहले हम 10 ले लेते हैं, 10 पे चला जाएगा ये, 10 लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 प्लस 32 क्या आ गया, 50। तो देखो जीरो में आ गया ना, यहाँ पे हमने 10 लिया तो यहाँ 50 आ गया, ग्राफ पे शो करना आसान हो जाएगा। अब ऐसे ही हम कोई और संख्या लेते हैं तो वो हम माइनस का 40 ले लेते हैं, 9 बटे 5 इंटू माइनस 40 प्लस 32, 5 अठे 40 प्लस माइनस माइनस, 9 अठे 72 प्लस 32। अब ये माइनस और ये प्लस तो घट जाएगा, तो देखो माइनस 40 पे क्या आ गया, माइनस 40। दो वैल्यू से भी ग्राफ बन जाएगा, तो हम दो से ही ग्राफ बना देते हैं, एक्स वाई। एक्स की वैल्यू पहले हमने ली है 10, तो वाई की वैल्यू आ जाती है 50, और जब एक्स की वैल्यू हमने ली है माइनस 40 तो वाई की वैल्यू भी क्या आ जाती है, माइनस 40। अब हम इससे एक आलेख बना देंगे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जीरो। हम 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50, यहाँ भी 10 20 30 40 50, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40।
सबसे पहले देखो x का 10 है, y का 50 है। अब x का 10 कहाँ है, ये हो गया, और y का 50 ये आ जाता है इसके सामने, 10 पर 50। ठीक है, इसके बाद है x का -40, y का -40। अब x की -40 वैल्यू ये हो गई और y की -40 ये हो गई, दोनों के सामने -40 पर -40, दोनों ही पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देंगे। समझ आया? नीचे लिख देंगे बिंदुओं 10 पे 50 -40 पे -40 को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर दिए गए समीकरण का आलेख प्राप्त होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट है इसमें, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। इक्वेशन हमें जो दे रखी है सेकेंड पार्ट, एफ इक्वल टू 9/5c+32। फ़ारेनहाइट को क्या लेना था, वाई, और सी को क्या लेना था, एक्स, या फिर इसको नहीं भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। अब इसमें यह बोला हुआ है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस यानी कि सी की जगह पर हम क्या वैल्यू रखेंगे, 30 डिग्री सी। यदि 30 डिग्री एफ होता तो हम एफ की जगह 30 लिख देते। तो अब सेकंड पार्ट में सी की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, तो सी की जगह हम लिख देंगे 30, 5 6 30, 9 6 54+32, तो तापमान क्या आ जाएगा, 86 डिग्री एफ आ जाएगा इसके हिसाब से। थर्ड पार्ट है, फिर से हम इक्वेशन लिख देते हैं जो हमें दे रखी है। यदि तापमान 95 डिग्री एफ है तो सेल्सियस में क्या होगा, 95 डिग्री एफ, तो अब एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, 95 डिग्री, और सेल्सियस में हम निकाल देंगे। सबसे पहले 32 को यहाँ लाएंगे तो 32 यहाँ का क्या बन जाएगा, -9/5c। अब 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9/5 को यहाँ ले आएंगे तो गुणा होकर के 9/5 का क्या हो जाएगा, 5/9, और यहाँ क्या बचेगा, ओनली सी, 9 7 63 7 5 35, तो तापमान आ जाएगा 35 डिग्री सी। क्लियर है? अगला पार्ट है एफ इक्वल टू 9/5c+32। यदि तापमान 0 डिग्री सी है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अब C की वैल्यू इसमें 0 डिग्री है तो 9/5 × C की जगह आ जाता है 0। अब 0 से हम किसी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 0 प्लस 32 32 32 डिग्री F आ जाएगा। इसी के साथ इसी पार्ट में ही, चौथे पार्ट में ही आगे दे रखा है, यदि तापमान 0 डिग्री F है तो सेल्सियस में क्या होगा, F इक्वल टू 9/5c+32। अब अभी इस पार्ट में यहाँ तो हमने सेल्सियस की जगह 0 लिया, अब हम यहाँ एफ की जगह 0 लेंगे, हमें ऐसे ही बोला गया है 9/5c+32। सबसे पहले +32 को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -32, 0 हट जाएगी। अब 9/5 को यहाँ ले आते हैं, मल्टीप्लाई होकर के 5/9 आ जाएगा, 9 से कटता नहीं है, 32 5 32 को 5 से गुणा करेंगे 160/9, तो ये आ जाता है -160/9 डिग्री सी, सी में आ जाता है। आगे है, क्या कोई ऐसा तापमान भी है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है, यदि है तो उसे ज्ञात कीजिए। हमने ग्राफ बनाया था, इसको हम ग्राफ की सहायता से भी लिख सकते हैं और इसे हम निकाल करके भी दिखा सकते हैं। यदि हम ग्राफ की सहायता से लिखें, पाँचवा पार्ट, आलेख से ज्ञात होता है कि है कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है,
-40 डिग्री ऐसा तापमान है जो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है। और वो क्या था, -40 पे -40 ग्राफ में किया था ना हमने, -40 एक्स की वैल्यू ली थी तो वाई की वैल्यू भी क्या आ गई थी, -40। तो हम ग्राफ से हमने इसको कर लिया, निकाल करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है।